तो दोस्तों ये है बोट इमोर्टल 131 गेमिंग ईयरबड्स और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ बोट इमोर्टल 131 गेमिंग ईयरबड्स, यानी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं, इसके गेमिंग मोड को ऑन और ऑफ कर कैसे करते हैं और इनके दोनों ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको चार्ज कैसे करते हैं। तो गाइस सिर्फ आपको इसके चार्जिंग केस को ही चार्ज करना होता है, उसके लिए आपको चार्जिंग केस के पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो हमने सिंपल अपने चार्जिंग केबल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो केस का जो LED लाइट है वो फ्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप सबको RGB लाइट मिलता है तो ये हमारा जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुल हो जाएगा तो ये जो लाइट है वो फ्लैश करना बंद हो जाएगा। उसका मतलब हमारा जो ईयरबड का जो केस है वो फुली चार्ज हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं बोट इमोर्टल 131 ईयरबड्स को पेयर कैसे करते हैं या कनेक्ट कैसे करते हैं। तो इसमें आप सबको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो ओपन करते ही आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होकर पेयरिंग मोड पर आ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा जो ईयरबड है उसमें LED लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया रेड और ब्लू कलर का, इसका मतलब हमारा जो ईयरबड है वो ऑन हो चुका है और पेयरिंग मोड पर आ चुका है। तो अब आप इसे ईयरबड को चार्जिंग केस में से बाहर निकाले बिना भी अपने डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो और उसके बाद इसको बाहर निकाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप सबको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप बिना चार्जिंग केस में से ईयरबड को बाहर निकाले ही पेयर कर सकते हो और जब आप इसको यूज़ करने के बाद वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो और रखने के बाद जब आप इसके चार्जिंग केस को बंद करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑफ होकर डिसकनेक्ट हो जाता है और वापस आपका जो ईयरबड है वो चार्जिंग मोड पर आ जाता है और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं बोट इमोर्टल 131 गेमिंग ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको लेफ्ट साइड ईयरबड और राइट साइड ईयरबड्स के जो टच कंट्रोल है वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स हैं। तो म्यूज़िक के लिए सिंगल टच करने से आप म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो एंड 3 सेकेंड टच एंड होल्ड करके रखने से आप इसके गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हो एंड सेम 3 सेकेंड टच एंड होल्ड करके गेमिंग मोड को ऑफ भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड ईयरबड के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो म्यूज़िक के लिए आप सिंगल टच करते हो तो म्यूज़िक में आप प्ले और पॉज कर सकते हो, डबल टच करने से सॉन्ग को प्रीवेस कर सकते हो एंड इसमें आप सबको 3 सेकेंड टच एंड होल्ड करके रखते हो तो वॉइस असिस्टेंट को आप एनेबल कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉलिंग फीचर्स के लिए। तो आप दोनों में से किसी भी बड्स के ऊपर सिंगल टच करते हो तो कॉल को रिसीव कर सकते हो एंड डबल टच करने से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो। और इस ईयरबड में आप सबको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट है वो आपके डिवाइस से ही करना पड़ेगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें आप सबको मैंने बोट इमोर्टल 131 गेमिंग ईयरबड्स के बता दिए हैं। अगर आप सबको इस ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।